क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 किया हुआ है, हम जो वीडियो डाले थे पिछले क्लास में उसमें हमने एग्जांपल के तौर पे उसको बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कंसीडर एफ आर प्लस, आर प्लस क्या है, आर प्लस है इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा फंक्शन है। और यहां पे आर प्लस डोमेन होगा, यानी नॉन नेगेटिव नंबर हमारा डोमेन है, और 4 टू इन्फिनिटी यानी रेंज जो होगा, यानी वाई का वैल्यू होगा वो 4 से कम नहीं होगा। तो यहां से भी चेक कर सकते हैं जो शो करने के लिए दिया हुआ है, यदि 4 से कम हो जाएगा तो ये क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लीजिए 3 हो जाएगा तो 3 - 4 - 1, तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो डोमेन और रेंज डिफाइन, इसका अपना मतलब होता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, पहले तो इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट एफएक्स जो है एफएक्स इज इक्वल टू वाई प्रूफ करते हैं, या लेट एफएक्स इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं, और यहां पे हम एक्स का जो वैल्यू है वाई के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई माइनस 4, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर वाई माइनस 4 प्लस माइनस, तो ये एक्स निकल गया, यानी कि ये क्या निकल गया, जी वाई निकल गया। जी वाई इज इक्वल टू रूट ओवर वाई माइनस 4। अब इन्वर्टिबल है या नहीं है इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है, गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रूफ करना है, यानी जी एफ एक्स निकाल के देखना है, जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो जी एफ एक्स, जी एक्स जी वाई दिया हुआ है वाई माइनस 4, तो जी एफ एक्स क्या हो जाएगा यहां पे, रूट ओवर एफ एक्स माइनस 4, और एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये सिंपल हम देख सकते हैं कि एक्स के इक्वल हो गए, ये एक्स निकल गया। और उसी तरफ एफ ओ जी वाई, फॉग वाई निकालते हैं, इसका मतलब है एफ ऑफ जी वाई। तो एफ ऑफ जी वाई निकालने के लिए एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एफ जी वाई क्या हो जाएगा, जी वाई स्क्वायर प्लस 4, और जी वाई कितना है वाई माइनस 4, तो वाई माइनस 4 स्क्वायर, रूट भी है रूट ओवर वाई माइनस 4, और इस पे क्या है स्क्वायर है तो प्लस 4, तो ये हो जाएगा वाई माइनस 4 प्लस 4 स्क्वायर, और रूट कैंसिल हो जाएगा 4 और माइनस 4, तो ये हो गया वाई। हम देख सकते हैं जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू वाई, दैट मीन्स जी इज इनवर्स ऑफ, जी इज इनवर्स ऑफ एफ, तो जी इज इनवर्स ऑफ एफ। तो हम क्या लिखे हैं, जी वाई लिखे हैं यहाँ पे, यानी कि जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स लिख सकते हैं, जी इज इनवर्स ऑफ एफ मीन्स जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, और हमारा जो फंक्शन है वाई के टर्म में जी वाई इज इक्वल टू रूट ओवर वाई माइनस 4, तो वाई माइनस 4 और जी क्या हो जाएगा एफ इनवर्स लिख सकते हैं, तो एफ इनवर्स इज इक्वल टू रूट ओवर वाई माइनस 4। और यहां से हम ये देख सकते हैं कि वाई का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए तभी ये एग्जिस्ट करेगा फंक्शन, नहीं तो नहीं करेगा, यानी ये डोमेन रेंज इस फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये
एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या निकल गया, रूट ओवर वाई माइनस फोर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कंसीडर एफ, यहाँ पे डोमेन दिया है आर प्लस, आर प्लस वही है सेट ऑफ नन निगेटिव नंबर्स और रेंज है माइनस फाइव टू इन्फिनिटी। फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो इसे इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, तो इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हमने क्या कहा था कि 1-1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो 1-1 और ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि फंक्शन बाइजेक्टिव है ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो बाइजेक्टिव है इसके लिए हम लोग मान लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर प्लस, यहाँ पे एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू मान लेते हैं लेट। तो x1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू 9x² प्लस 6x माइनस 5 में, तो ये हो जाएगा 9x1² प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2² प्लस 6x2 माइनस 5। तो ये यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं x2 को, तो ये हो जाएगा 9x1² माइनस x2² प्लस 6x1 माइनस x2 और माइनस फाइव कैंसिल हो जाएगा 0। तो फिर से इसको हम लोग देख सकते हैं कि 9x1 माइनस x2 यहाँ पे आ जाएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, x1² माइनस x2², x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 नहीं होगा क्योंकि ये x1 प्लस x2 है और ये पॉजिटिव नंबर है x1 और x2, तो ये तो 0 नहीं होगा। तो x2 माइनस x1 माइनस x2 0 हो सकता है, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। तो ये 1-1 हो गया, ये प्रूफ हो गया कि 1-1 है। फिर हम देखते हैं ऑन टू के लिए। तो फॉर ऑन टू लेट fx इज इक्वल टू y, तो fx है हमारा 9x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर नहीं तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग ये क्या लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस y लिख सकते हैं। तो x का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट हम लगा सकते हैं माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो माइनस b यानी कि माइनस 6 होगा प्लस माइनस b² 6² हो जाएगा माइनस 4, ये क्या है 9 है इंटू 9 और c माइनस 5 माइनस y डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9, ए का वैल्यू 9 है। तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस 36 और ये माइनस इधर से बाहर ले लें तो ये प्लस हो जाएगा और ये 9 फोर जा 36, ये हो जाएगा y प्लस 5,
डिवाइडेड बाय 18। फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस 6 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 36। 36 यदि कॉमन लेंगे तो इसका रूट 6 होगा, 6 बाहर कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा, प्लस y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 18। फिर माइनस 6 प्लस 6 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस 6 कॉमन लेकर के काट देंगे तो माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा ये भी, और अंदर में क्या हो जाएगा y प्लस 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। ये आया x का वैल्यू क्या है y के टर्म में आगे, यानी x क्या है gy है, तो x gy इज इक्वल टू हम लोग देख सकते हैं कि माइनस 1 माइनस 1, या इसको अरेंज करके लिखते हैं y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ये इतना आ गया, लेकिन हमें लाना क्या है f इनवर्स y इज इक्वल टू दिस। तो gy तो ये आ गया, अब gf का इनवर्स है या नहीं है, तो इसके लिए हमने 1-1 प्रूफ कर दिया और ऑन टू चेक करना है। तो ऑन टू चेक करने के लिए यहां पे y का वैल्यू क्या लेना है, -5 टू इंफिनिटी। तो -5 टू इंफिनिटी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहां पे क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। y का वैल्यू -5 से ज्यादा कुछ भी रखते हैं, -4 रख देते हैं, तो जो भी आएगा देखेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो कह सकते हैं कि इफ y बिलोंग्स टू R, y बिलोंग्स टू -5 टू इंफिनिटी, -5 टू इंफिनिटी, देन x बिलोंग्स टू R प्लस। तो ये तो एक तरीका है। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहां से शुरू करें, आपका जीवाई निकल जाएगा, और जीवाई निकालने के बाद आप क्या करें, जीओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रूफ कर दें और एफ ओ जीवाई इज इक्वल टू वाई प्रूफ कर दें, तो भी हम कह सकते हैं कि जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो जी इज द इनवर्स ऑफ एफ है, इसका मतलब जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स होगा, और फिर g के जगह में यहां पे क्या रखेंगे, f इनवर्स रखेंगे। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू दिस, जो हमें प्रूफ करना है रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3 आ जाएगा। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं तो इस मेथड से भी 1-1 प्रूफ कीजिए, फिर ऑन टू प्रूफ कीजिए, फिर बोल दीजिए कि y बिलोंग्स टू R, देन x also belongs to domain। टेन नंबर क्वेश्चन है, लेट f such that x to y be an invertible function so that f has unique inverse। इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन है जो कि इनवर्टिबल है, इनवर्टिबल है तो 1-1 और ऑन टू दोनों होगा। हमें शो करना है कि इस फंक्शन का एक ही इनवर्स होगा, यूनिक इनवर्स मींस एक और एक ही इनवर्स होगा, दो किसी भी फंक्शन का दो इनवर्स नहीं हो सकता। यदि हम उस दिन की बात करते हैं एग्जांपल की, मान लीजिए ये घर है और ये स्कूल है, तो इसका जाने का रास्ता और आने का रास्ता सेम होगा तभी वो इनवर्स प्रोसेस कहलाएगा, और यदि जाने का रास्ता एक है और आने का रास्ता दो है तो वो इनवर्स प्रोसेस नहीं कहलाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड में हम मान लेंगे कि हमें प्रूफ करना है यूनिक इनवर्स है, यानी एक ही इनवर्स है, लेकिन हम मान लेंगे कि दो इनवर्स है। तो दो इनवर्स है, फिर देखते हैं क्या होता है। लेट जी वन एंड जी टू बी टू इनवर्स। तो जी वन और जी टू दो इनवर्स है, इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब हो जाएगा कि दो इनवर्स है, यानी कि ए और बी, वन वन, इसका मतलब ये नहीं होगा, वन वन नहीं होगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं कि एफ जी वन वाई, एफ जी वन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जी टू वाई, ये हो जाएगा। और जब दो इनवर्स है तो एफ जी वन वाई इज इक्वल टू एफ जी टू वाई होगा। इसका मतलब है कि जी वन वाई इज इक्वल टू जी टू वाई हो जाएगा बाई वन वननेस, हम बोल सकते हैं बाई वन वननेस। तो जी वन वाई इज इक्वल टू जी टू वाई, इसका मतलब क्या है कि जी वन इज इक्वल टू जी टू निकल गया। लेकिन हम माने क्या है कि जी वन एंड जी टू आर टू डिफरेंट इनवर्स, लेकिन यहां पे हम लोग क्या मान आ गया, जी वन इज इक्वल टू जी टू। इसका मतलब है कि जी वन जी टू सेम ही है, यानी कि यूनिक इनवर्स है, एफ एच यूनिक इनवर्स। इलेवन नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर एफ, डोमेन दिया हुआ है 1 2 3, रेंज एबीसी गिवन बाय एफ वन ए एफ टू बी एफ थ्री सी, फाइंड एफ इनवर्स एंड शो दैट एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, एफ होगा। तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं, लेट जी इज ए फंक्शन such that a b c 2 1 2 3। इनवर्स का क्या होता है, इनवर्स फंक्शन का जो f, f का डोमेन होता है वो इनवर्स फंक्शन का रेंज हो जाएगा, और फंक्शन का जो रेंज होगा वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो यहां पे एक चीज और दिया हुआ है, एफ वन इज इक्वल टू ए एफ टू इज इक्वल टू बी एफ थ्री इज इक्वल टू सी। इसको फिगर से भी हम देख सकते हैं वेन डायग्राम बना के। तो ये मान लीजिए एफ से रिलेटेड है दो सेट, यहाँ पे वन है टू है थ्री है, और इधर ए बी सी है। तो वन से एफ वन इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, वन से ए रिलेटेड है, टू से बी रिलेटेड है, और थ्री से सी रिलेटेड है। तो वन वन और वन टू है ये, इसका मतलब एन एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले एफ इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, जीओ एफ वन इज इक्वल टू वन आना चाहिए। तो जीओ एफ वन निकालेंगे, इसका मतलब है कि जी F1 निकालना है हमें, और F1 क्या है, F1 A दिया हुआ है, और GA क्या हो जाएगा इनवर्स में, यहां से जब हमने जो मान लिया है GA क्या होगा, 1 होगा। तो GOF1 इज इक्वल टू 1 हो गया, उसी तरह GOF2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और GOF3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। हम देखते हैं अब FO G1 निकाल के या FOG A निकाल के। तो इसका मतलब है यानी FOG A इज इक्वल टू A आना चाहिए, तो FG A, और GA क्या हो जाएगा, अब GA 1 के बराबर है, तो यानी कि ये F1, और F1 क्या है, A के बराबर है, तो A। तो उसी तरह आप कर सकते हैं FOG B इज इक्वल टू बी एंड एफ ओ जी इज इक्वल टू सी। तो देख रहे हैं कि जी ओ एफ वन इज इक्वल टू वन और एफ ओ जी ए इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स ये जो है इन्वर्टिबल फंक्शन है, जी इज द इनवर्स ऑफ
एफ, हम यहां से कह सकते हैं जी इज इनवर्स ऑफ एफ, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, या यहां पे ये भी कह सकते हैं कि एफ इज द इनवर्स ऑफ जी, एफ इज द इनवर्स ऑफ जी, ये भी बोल सकते हैं। तो ये जो है जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स है, इसका फिर से एक इनवर्स हम लोग ले लें जी इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा एफ इनवर्स इनवर्स, और जी इनवर्स क्या है एफ है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इनवर्स इनवर्स, ये प्रूफ हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम है, उसको आप लोग खुद से कर लीजिए। और 12 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये 13 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, और यदि कुछ डिस्कस करना हो तो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछें। धन्यवाद।